नमस्कार, हम इस समय गंगा नदी के किनारे पे हैं और हम किनारे पे रेत को खोद के हम देखेंगे कि पानी किस तरीके से रेत के अंदर दिखाई देता है, किस तरीके से चलता है। तो हम देखते हैं, यहाँ गड्ढा करना स्टार्ट करते हैं। वहां पर गंगा नदी है। आइए सर, नीचे जूम कर लीजिए। ये कुछ रेत है, गड्ढे हैं, पत्थर है, इनको साइड में कर रहे हैं और जैसे साइड में किया कुछ पानी आ गया। और ये देखिए पानी आ रहा है, वाकई पानी आ रहा है। नीचे वाकई पानी है। ये देखिए पानी आ चुका है। ये देखिए पानी आ गया है नीचे। बड़े बड़े पत्थर हैं और मैं इनको हटा रहा हूँ और अब देखेंगे क्या ये गड्ढा भर जाता है पानी से। तो हम देख रहे हैं और लगातार पानी आ ही जा रहा है गड्ढे के अंदर। मुझे लगता है गड्ढा पूरा भर जाएगा पानी से और लगातार पानी आ रहा है। पानी का लेवल ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और ये देखिए गड्ढे में पानी ही सने सने भर चुका है। गड्ढे में ऊपर तक पानी आ गया है। और इस ओर ये गंगा नदी है, आने पे हैं और यहाँ पे हम पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पानी निकलेगा। हम रेती को हटा के यहाँ तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस। और ये नीचे पानी निकला है वाकई। और ये देखो किस तरीके से जमीन में पानी किस तरीके से चलता है, वो बहुत बढ़िया से पता लग रहा है किस तरीके से साइड से पानी आ रहा है और अपना सर्टेन लेवल बना रहा है पानी। अब हम एक कोशिश करते हैं इस पानी को बाहर निकालते हैं। तो हम देखते हैं नीचे क्या होगा। और ये लगातार मिट्टी खिसकती जा रही है और कितना पानी निकलेगा हम देखना चाह रहे हैं। ओ पानी निकलता जा रहा है यार। और ये किस लेवल तक निकलेगा। और मुझे लगता है इसका लेवल बढ़ रहा है लगातार। और ये गिर भी रहा है लेकिन इसका लेवल सुनील सर बढ़ रहा है। इसका लेवल ये देखो पानी जो है बाहर से आ रहा है और लेवल लगातार बढ़ रहा है पानी का। और ये हम गंगा नदी के किनारे हैं, वहां गंगा नदी है, बह रही है और वो पानी जो है रिस के नीचे से आ रहा है। बहुत ही शुद्ध पानी है लेकिन इसमें थोड़ी मिट्टी मिक्स हो गई है। लेकिन देखिए कितना अच्छा तालाब है, धरती के नीचे से कैसे पानी आ रहा है। थैंक यू।